सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज अडेनियम्स के पौधे आपके सामने फिर दिख रहे हैं और बहुत ही हैवी ब्लूम इन छोटे छोटे पौधे में हुआ है। काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के पौधे हैं। कुछ प्लांट्स मैंने आपके सामने रखे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में सारे कलर्स और सारे प्लांट्स को डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि आपको छोटी छोटी वीडियोस से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस और बहुत ही आसान टिप्स कि कैसे आप अडेनियम्स में हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये सभी पौधे लगभग एक साल पुराने हो गए क्योंकि यही महीना था सितंबर का जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग के लिए वीडियोस आपके साथ शेयर करी थी। और 28 ऑफ अगस्त को ये पौधे मेरे पास आए थे और ऑनलाइन थे, बेयर रूट आए थे, तो वो भी मैंने आपको शेयर किया था। उस समय मैंने ये भी कहा था कि आपको मैं सेलर का नाम भी बताऊंगा, लेकिन मैं खुद पहले आश्वस्त हो जाना चाहता था कि जो प्लांट्स मैंने मंगाया है क्या वो मल्टी पेटल्स हैं और डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने उस समय आपको नाम नहीं शेयर किया था सेलर। लेकिन आज मैं सेलर का नाम भी बताऊंगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस है उनकी और बहुत ही मैं सेटिस्फाइड हूँ उनकी सर्विस से। डिफरेंट कलर आए उनके एडेनियम में, सभी मल्टी पेटल्स थे और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वाइवल वैल्यू बहुत ही अच्छी रही इनके प्लांट्स की। सर्वाइवल वैल्यू तो अगर आपको हेल्दी प्लांट्स आते हैं तो आप थोड़ी सी अगर जानकारी आपके पास है तो आप पौधे सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो आज दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। एडेनियम में जो बेसिक फंडा है वो है वेल ड्रेन सॉइल। अब तमाम यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस तमाम तरह के पड़े हैं, तमाम लिटरेचर्स भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक मैं उनको अप्लाई नहीं कर लेता या जब तक किसी चीज़ पे मैं खुद असेसमेंट उसका नहीं कर लेता, उसका मूल्यांकन खुद नहीं कर लेता, तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। ये जो एडेनियम आपके सामने हैं वो बहुत ही बेसिक मीडिया में लगाए गए हैं और इतनी हैवी फ्लावरिंग हुई है इन छोटे छोटे पौधों में। इस बार ये आप समझिए एक साल के अंदर ये मार्च से अब तक ये चौथी बार इनकी फ्लावरिंग है, यानी एक बार ये फ्लावरिंग कर रहे हैं तो लगभग 15 दिन 20 दिन महीने दिन लगातार फ्लावरिंग हो रही है और फिर एक 10 दिन का गैप आ रहा है, फिर NPK का जब स्प्रे कर दिया जा रहा है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिए जा रहे हैं, फिर कलियाँ आ रही हैं, फिर अगले 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक फ्लावरिंग कंटिन्यूअस चल रही है। तो आज बात करेंगे कि कैसे आपको क्या करना है अगर आप नए पौधे आप भी मंगाते हैं तो। और पुराना वीडियो आप देख लीजिए कैसे इनकी रिपोर्टिंग हुई थी। कोई भी नया पौधा मंगाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिक एसिड जरूर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे जब नए पौधे आप मंगाएंगे तो, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का रोल जो है वो न्यू रूट डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा है। या कोई रूट हार्मोन पाउडर आप यूज कर सकते हैं, पुरानी वीडियो में मैंने बताया था। सॉयल मीडियम की जो बात है तो सॉयल मीडियम में सिंडर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि सिंडर में लगाइए। सिंडर तो बेशक एक अच्छा मीडियम है लेकिन अब हर आदमी सिंडर कहाँ खोजता फिरेगा, या तो वो खरीदे ऑनलाइन या फिर सिंडर किसी ब्रिक्स जहाँ ईंट भट्ठे हैं वहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। तो बेसिक मीडियम जो है आपके पास ही है वो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोर्स सैंड होती है, जो मोटी रेत, जो लाल वाली मोटी बजड़ी, उसका बहुत बड़ा रोल है। कम से कम 40% तो आपको मोटी बजड़ी लेनी ही होती है और बाकी जो है आपका जो 60% पोर्शन बच रहा है उसमें आप 30% वर्मी कंपोस्ट या वेल डिकम्पोज्ड काउ डंग, यानी एक से दो साल पुरानी काउ डंग आप ले सकते हैं, और 30% गार्डन सॉयल आप लें। गार्डन सॉयल इन द सेंस कि वहाँ की मिट्टी हो जहाँ पे लीफ का डिकम्पोजिशन हो रहा हो, यानी कि जहाँ किसी पेड़ के नीचे पत्तियाँ सड़ रही हों, तो वहाँ आप देखेंगे कि तमाम अर्थवर्म्स के भी आपको प्लेट्स मिल जाएंगे, तो उस तरह की मिट्टी थोड़ी ब्लैकिश होगी। अगर वो मिट्टी आपको मिल जाती है तो वो मिट्टी बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगी। और उनको मिक्सअप करके और जो आपका पार्ट होगा उसमें आप पोर्स तो रहते ही हैं, वहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आपको नीचे जो है या तो कोई वायर या कोई कंकड़ का टुकड़ा या कोई
ब्रिक्स के स्मॉल पार्टिकल्स, या लकड़ी, जली हुई लकड़ी, इनका कोयला जो होता है वो आप डाल सकते हैं। तो ये सब करके आप जो है मतलब वेल ड्रेन सॉयल आप बहुत ही इजी वे में तैयार कर सकते हैं। बाकी जो समस्या आ रही है, आती है लोगों को, वो लोग कहते हैं कि जो ग्राफ्टेड एडेनियम्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, उसमें फ्लावरिंग कम होती है और सीड ग्रोन में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर ट्रिमिंग जानते हैं, जो नए पौधे आप अगर छोटे पौधे ला रहे हैं तो आप उसको अच्छा आकार दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे पौधे आप लीजिए, आपको वो चीफ एंड बेस्ट होंगे आपके लिए, क्योंकि आप उनको अपने हिसाब से आप सेप दे पाएंगे। बड़े पौधे आप जब भी लेते हैं आपको कॉस्टली भी पड़ेंगे, और जो नर्सरीज होती हैं उसमें उतनी जगह होती नहीं है और वो एक एक पौधे पे उतना केयर नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है कि वो ग्राफ्ट्स उनके लंबे हो जाते हैं, फिर आप उनको जो है वो बुशी सेप नहीं दे पाएंगे, जो उनकी बोनसाई स्टाइल्स हैं वो आप नहीं दे सकते हैं। तो जैसे किसी आप कोई आप पालतू जानवर, कोई भी पेट्स आप पालते हैं, जैसे कुत्ता ही आपको पालना है, तो अगर वो एक महीने का बच्चा ले आते हैं आप, तो उसको आप ट्रेंड कर सकते हैं, या आप कोई बर्ड्स आपके पास है जैसे पैरट है, तो वो छोटा पैरट है तो आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं, बट अगर बड़ा लेके आएंगे तो वो फिर आप उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। यही पौधों के साथ भी है। तो छोटे पौधे आपके लिए, अगर आप नेचर लवर हैं तो छोटे पौधे लाइए, उनको अपने हिसाब से ट्रेंड करिए। एडेनियम में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, रूट ट्रेनिंग है, कॉडेक्स ट्रेनिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग है, पॉलिनेशन है, ग्राफ्टिंग है, लॉट ऑफ चैप्टर्स हियर, तो वो हम बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना बताएंगे कि कैसे ये देखिए आप, आपका जो मिथक है, जो आपके मिथ्स है कि ये बुशी नहीं होंगे, ये 2 से 3 फ्लावरिंग इसमें होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आज बस उसी पर बात करेंगे। तो कुछ पौधों को वन बाय वन दिखाएंगे, और एक पौधा आपको अभी ऐसा दिखाएंगे जो बहुत ही छोटा है, लेकिन उसमें 22 फ्लावर्स आए थे और वो बिल्कुल झुक सा गया था। ये जो पौधा है, सबसे जितने एडेनियम्स थे मेरे उसमें सबसे छोटा ये रह गया, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें तो अभी फ्लावर्स इसके वो हो गए, नहीं तो ये पूरा इतना भर गया था। तो एक दिन मैंने इसको काउंट किया था, इसमें 22 फ्लावर्स थे इसमें, ये और ये स्टेम और ये नीचे भी देखिए, बिल्कुल छोटा सा टीनी सा प्लांट्स और इतने फ्लावर्स और इतने ब्रिलियंट फ्लावरिंग। अभी तो थोड़ा पुराना हो गया, मतलब 6-7 दिन पहले से फ्लावरिंग हुई है इसमें, तो काफ़ी फ्लावर्स गिर भी गए हैं और इसका कलर भी थोड़ा फेड अप हो गया है। ये देखिए इसका, और बिल्कुल 1 ईयर एज हो गई हमारे पास, और मुझे लगता है कि 6 महीने पुराने पौधे रहे होंगे जब वहाँ से आए थे सेलर के पास से। बस ये जो आप देख रहे हैं सेप, या इतनी ये आप देखिए, यहाँ ग्राफ्ट था इसका, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, और मैंने इसका स्लाइट यहाँ ट्रिमिंग किया था 5 के लास्ट वीक में, यहाँ से ट्रिम कर दिया था थोड़ा सा। वहाँ ट्रिक है, थोड़ा रिस्की होता है, नए जो भी लोग प्लांट्स मंगा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा, या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेंगे अगर उनके अगल बगल कोई मौजूद हो तो, या वीडियोस आप केयरफुली देख लें जो ट्रिमिंग की वीडियोस हैं, जो नए प्लांट्स के ट्रिमिंग की वीडियोस हैं, तो वो कहाँ से ट्रिम करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर गलती कर गए आप तो आपका जो ग्राफ्ट है वो ख़त्म हो सकता है, और अगर वहाँ कोई फंगल इन्फेक्शन लग गया तो फिर तो भी आपकी कटिंग के बाद भी ग्राफ्ट ख़त्म हो सकता है। ये देखिए ये पौधे में, ये उसी के साथ सब एक ही साथ के पौधे हैं, और इसकी देखिए कितनी कनोपी, कितनी हैवी हो गई है, और बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग सब में हुई है, बिल्कुल ही। इस समय मैं काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फ्लावर्स इस समय मौजूद हैं इसमें, और कॉडेक्स देखिए इसका, कॉडेक्स भी काफ़ी हेल्दी है। तो ये बिल्कुल ही आसान है आपके लिए, छोटे पौधे आप लीजिए और उनकी जो ट्रिमिंग है वो अपने हिसाब से करिए, और आपको एक बेहतर प्लांट मिलेगा। वेल्डन सॉइल के लिए मैंने आपको बताया कि कोर्स सैंड यानी मोटी बजड़ी, और जो अभी आपको मैंने बता दिया गार्डन सॉइल्स, और वर्मी कंपोस्ट या काउडन, इन तीनों को मिक्सअप कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोयला यानी अगर लकड़ी का जला हुआ कोयला हो तो थोड़ा सा उस मीडियम में मिलाइए, बहुत ही माइनर, वो भी सेल को सॉइल को जो है वो वेल ड्रेन होने में मदद करेगा। और एडेनियम लगाइए,
वाटरिंग की जो बात है, वाटरिंग कुछ लोग कहेंगे कि पानी 15 दिन में देना चाहिए, पानी 1 महीने में देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वेदर कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, आपके सॉयल का मीडियम कैसा है, कितनी जल्दी पानी, अब हमारे तो एडेनियम में अगर मैं तीसरे दिन पानी ना दूँ तो इनकी पत्तियाँ जो हैं वो थोड़ा सा वो लगता है कि अब इनको पानी चाहिए, डिमांड इनकी हो जाती है। ये देखिए आपके सामने ये कितना बूसी पौधा है, ठीक है, ये भी देखिए सब सब वही कट्स किए गए थे, वहीं से इनकी कटिंग की गई थी और ट्रिमिंग की गई थी, और ये सारे पौधे बेहतरीन फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको मैंने बोला था कि मैं शेयर करूंगा, और ये जो सेलर थे वो आपको फेसबुक पे स्प्रिंग विला करके एक प्रोफाइल मिलेगी, और इंद्रानी नस्कर मैम है, उनके यहाँ से पौधे आए थे तो काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस भी रहा, और काफ़ी उसके बाद भी उन्होंने पूछा कि पौधे आपके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो मैंने बताया कि नहीं ठीक पौधे चल रहे हैं, अभी भी उनके मैसेज आते हैं कि फ्लावरिंग हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे सेलर्स आपको कम मिलते हैं, तो ऐसी जगहों से आप बेशक पौधे मंगा सकते हैं और आश्वस्त होकर मंगा सकते हैं। ये देखिए बेस से ही आप, मैंने यहाँ पर ट्रिमिंग की हुई है, और यहीं से ये जो ग्राफ्ट्स हैं इसके 3-4 भागों में बट के निकले हैं, और ये सब में फ्लावर्स हैं। जब ये छोड़ देंगे आप, यहाँ से नहीं ट्रिम करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर इस तरह का बूसी पौधा आपको नहीं मिलेगा, और ना तो इस तरह की हैवी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो ये ट्रिमिंग का कमाल है, और NPK फर्टिलाइजर जो है हर 15 दिन पे आप जो है 1 ग्राम पर लीटर ज़रूर स्प्रे कर दीजिए, कुछ नहीं आपको 90-90-19 कर दीजिए, बाकी 12-61 और 0-0-15 सब चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपर्ट्स के लिए हैं। और ये देखिए एक छोटा और पौधा आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इतना छोटा ये भी है, और इसकी फ्लावरिंग देखिए इतनी बड़ी कली आ रही इसमें कि ये अभी इसको बियर नहीं कर पा रहा, इतनी बड़ी बड़ी कलियाँ आ रही इसमें। तो इस तरीके से ये फ्लावरिंग्स होती है। और एक चीज़ और एक सेक्रेट मैंने आपको बता रहा हूँ, बोरान का पाउडर आपको मिल जाएगा। बोरान माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन एडेनियम में बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं एडेनियम में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोरान जो है वो आपको 0.5 मिलीग्राम जो है पर लीटर पानी में करके आप जड़ों में डाल सकते हैं, ठीक है, या बहुत ही माइनर ट्रेस अमाउंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो बहुत ही कम मात्रा में, या कभी पॉट्स लग गई हैं, फलियां लग गई हैं तो उनको स्प्रे, बर्ड्स लग गई हैं तो उनको स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे तो बोरान जनरली फ्रूट्स के लिए और जहां फल जो फल वाली या सब्जियों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे सीड पॉट्स अच्छे बनते हैं और बाकी फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम कलर्स, अभी बहुत से कलर्स हैं जो इस वीडियो में नहीं शेयर कर रहा हूँ, बाद में कभी शेयर करूँगा, और ये इस समय थोड़ा सा मोबाइल में वॉइस का इशू है इसलिए आप हेडफोन ज़रूर लगा लें। और ये जो पौधे हैं इनको फिर मैं आपको आगे भी जब इसमें ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ इन नए पौधों में भी, तो मैं आपको वीडियोस अपलोड करूँगा। एक पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने बड़ा पौधा ख़रीदा था, तो वो कैसा हो जाता है जब बड़ा पौधा आप ख़रीदेंगे तो आपके पास क्या लिमिटेशंस हैं आप देखिए। ये देखिए ये 3 साल पुराना पौधा, नर्सरी वाले ने ही बताया था कि 3 साल पुराना है, तो ये इतना लंबा था कि अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो ये पौधे नर्सरी में इतनी जगह नहीं होती है कि उसको हर पौधे को दूर दूर रखा जाए या हर पौधे की इतने प्रॉपर जो है ट्रिमिंग की जाए, तो ये ऑप्शन आपको तभी आपको अवेलेबल होगा जब आप कोई छोटा पौधा लेंगे तो उसको आप अपने हिसाब से ट्रिम कर सकते हैं। देखिए इसमें अभी फ्लावरिंग हुई है, लेकिन अगर ये यहाँ से इसके नीचे से अब यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ मान लीजिए यहाँ रिस्क है कि अगर यहाँ से कर दे तो ये मुझे लग रहा है यहाँ ग्राफ्ट होना चाहिए, लेकिन जब पुराना हो जाता है पौधा तो ग्राफ्ट को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ग्राफ्ट निकला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये सारे कलर्स आपको मैंने दिखाए एडेनियम्स के पुराने पौधे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शेयर करूँगा जब ये पौधे में फ्लावरिंग होगी, तो एडेनियम मंगाइए और बेधड़क एडेनियम लगाइए। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो एडेनियम के साथ अपने लाइफ को कलरफुल बनाइए, ब्रिलियंट पौधे होते हैं ये, पानी की कमी पानी कम चाहिए होता है इनको, और बहुत ही माइनर केयर एक तरह से कह सकते हैं, केवल साल में एक बार इनकी रिपोर्टिंग आप कर दीजिए
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही माइक्रो एक 6 महीने में एक बार, और मंथली या 15 दिन पे एक बार आप एनपीके का स्प्रे कर देंगे। बाकी जब इन सर्दियों में जब ये डोरमेंट फेज में चले जाते हैं तो उस समय कोई फर्टिलाइज़र इनको ना दें। और अगर जनरली आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं अचानक से, या पौधे की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ आपको लग रहा है कि अनडिज़ायरेबल कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने जो है ओवर फर्टिलाइजिंग की है या ओवर वाटरिंग की है। तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए एडेनियम और इन शानदार पौधों का आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आने वाले समय में एडेनियम की ग्राफ्टिंग, हैंड पॉलिनेशन से कैसे नए सीड पॉट डेवलप होंगे और कैसे नए कलर आएंगे उसके बारे में बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।